नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, नोटबुक का हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपयोग है। आप कहीं भी चले जाओ, स्कूल चले जाओ, आप कहीं भी ऑफिस चले जाओ, कहीं कॉलेज में चले जाओ, इस नोटबुक के बिना आपका काम नहीं हो सकता। आपको हर जगह नोटबुक देखने को मिल जाएगी। तो आज हम बताते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी डिमांड हद से भी ज़्यादा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे शुरू किया जाता है, क्या उसमें मशीन्स रिक्वायर्ड होता है और क्या क्या रॉ मटेरियल लगा के इस नोटबुक को हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए आज की वीडियो के साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नोटबुक बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एक होता है ये पेपर, रूल्ड पेपर, जिसके ऊपर हम लिखते हैं। ये आप देख सकते हो, ये रूल्ड पेपर है सारा, जिसके ऊपर हम राइटिंग करते हैं, इसको रूल्ड पेपर कहा जाता है। एक तो ये रूल्ड पेपर चाहिए होता है और एक आपका ये टाइटल कवर चाहिए होता है, जिसमें आप देख सकते हो प्रिंटेड फॉर्मेट होता है सारा। जो भी आपने अपना नाम, एड्रेस, कुछ भी छपवाना हो, जो भी लोगो है, वो सारा इसके ऊपर छप जाता है। इन दोनों रॉ मटेरियल को कम्बाइन करके इसमें आपका ऐसे का सेट तैयार होता है। जैसे मानो जितने भी पेजेस का आपने नोटबुक बनाना है, उतने पेजेस आपने रखने हैं, ऊपर टाइटल रखना है, इसका एक सेटअप तैयार करके तो इसको हम मशीन में लगाते हैं और फिर नोटबुक तैयार किया जाता है। इसमें हमारे पास मैनुअल से ऑटोमेटिक तक की सारी मशीनें होती हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये फुली ऑटोमेटिक नोटबुक मेकिंग मशीन है, जिसमें आपने पेपर और टाइटल रखना है, इसने खुद ब खुद नोटबुक तैयार करके आगे निकालते जाना है। आप यहाँ देख सकते हो, हमने 80-80 शीट्स की जो नोटबुक है वो तैयार करके रखी हुई है, जिसके जो पेजेस बनते हैं 360 बनते हैं। मतलब जितने शीट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय हम 4 के साथ करते हैं तो उतने नंबर ऑफ़ पेजेस की नोटबुक तैयार होती है। आप देख सकते हो, ये हमारा टाइटल है, डबल की कॉपी में टाइटल है, 1-2 कॉपी में टाइटल है, उसी हिसाब से हमारा पेपर है। हमने इसमें लगाना है मशीन में, ऑटोमेटिकली एक एक करके लगाना है। यहाँ पर मशीन हमारा स्टिचिंग करेगा, स्टिचिंग करने के बाद नोटबुक यहाँ फोल्डिंग होगा, स्क्वेयरिंग होगा, कटिंग सेक्शन 1, कटिंग सेक्शन 2, कटिंग होके कॉपी तैयार होके यहाँ से बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हो मेरे पास कुछ तैयार सैंपल पड़े हुए हैं ऐसे की नोटबुक, जिसकी पिन पूरी सेंटर में रहेगी, पूरी सेंटर में पिन। आप देख सकते हो जितनी नोटबुक बनी है, सभी की पिन पूरी सेंटर में आएगी। जितना भी आपका बड़ी छोटी कॉपी का एडजस्टमेंट हो, वो सारा नाइफ के साथ आप चेंज करके इसको लगा सकते हो। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आप एक बंदा रख के इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। कोई इसका झंझट नहीं है, कोई इसका सेटिंग नहीं है, आसानी से सारी मशीन ऑपरेशन होती है। आपने 10 पेज की कॉपी बनानी है वो भी बनेगी, आपने 50 की बनानी है वो भी बनेगी, आपने 100 की बनानी है वो भी बनेगी, 250, 300, 350, 400 तक पेजेस की ये कॉपी बनाएगी। 500 तक का हमारा हेड होता है, 5x8 16mm का, उसके अंदर आपके जितने भी पेजेस आए उतनों को ये पेन लगा सकता है। हेड की एडजस्टमेंट करने के लिए ये कवर खोल के नीचे व्हील लगा होता है, उससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से। जितने नंबर ऑफ़ पेजेस पे आपने पिन लगाना है उस हिसाब से नीचे सेटिंग होती है और ये खुद ब खुद पिन एडजस्ट कर लेता है। आपको बार बार कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फोल्डर का सेक्शन है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, छोटी बड़ी कॉपी है, सेट आपने गेजेस को सेट करना है, इसने खुद ब खुद काम करते जाना। स्क्वेयरिंग का काम है, यहाँ पे भी आपने कुछ सेट नहीं करना, ऑटोमेटिकली कॉपी स्क्वेयर होके मोटी पतली जैसे भी हो स्क्वेयर करके फ्रंट साइड से कटिंग होगी, फ्रंट साइड से कटिंग होने के बाद सेंटर्स में कटिंग होके कॉपी रेडी होके बाहर आ जाएगी। इसका मैं पूरा कंप्लीट वर्किंग वीडियो दिखा दूंगा, जिसमें आप देख सकते हो पतले पेजेस को भी लग जाती है, मोटे पेजेस को भी लग जाती है, छोटा साइज़ हो कॉपी का वो भी बन जाता है, A4 हो आपका, 18x24 हो, कोई भी साइज़ हो, सारे साइज़ इसमें एप्लीकेबल होते हैं। आपको ये कोई सोचने की दिक्कत नहीं है कि इसमें ये एक ही तरह का साइज़ बनाती है, इतने पेजेस कोई पेन लगाएगी, मैक्सिमम ऑफ 400-420 पेजेस तक की इसमें पिनिंग लग जाती है। इसके अलावा आपको जो नोटबुक होती है पिन वाली, इससे ज़्यादा कहीं पिन नहीं लगती, तो ये मशीन वहाँ तक पिन लगा देती है। तो ये बहुत ही आसान मशीन है, बहुत ही आपका इजी टू यूज़ मशीन है। आपने पेपर और टाइटल रखना है, यहाँ पे पिन्स की सेटिंग करना है, कितने गैप पे पिन लगानी है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा हमने पिन्स का गैप डाला हुआ है, मतलब जितने जितने गैप पे पिन डालनी है और कितने नंबर ऑफ पिन्स डालनी है वो सारा इसमें फीड किया हुआ है। अभी हमारा A4 का सेटिंग लगा हुआ है तो हमारा A4 का प्रोग्राम बना हुआ है। गैप, जितने गैप पे पिन लगानी है वो हमने फीड कर देना है, नंबर ऑफ़ स्टिचेस हमने कितने लगानी है वो इसमें फीड कर देना है,
प्रोग्राम को सेव करके इसको यूज़ कर लेना, तो हमारा वही प्रोग्राम लोड हो जाएगा। तो बहुत ही आसान काम है इसका, मैं आगे आपको वर्किंग वीडियो दिखाता हूँ कैसे काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों ये आपने देखा कि कैसे 4-in-1 मशीन लगा के आप ऑटोमेटिकली एक आदमी के साथ नोटबुक पूरा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपने मशीन परचेज़ करना हो तो आप बुकिंग करके मशीन बुक करवा सकते हो, और बैलेंस पेमेंट करने पर मशीन यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा और हमारा बंदा जाएगा मशीन इंस्टॉल करके उधर आपको पूरा ट्रेनिंग दे के आएगा। तो आपने अगर विज़िट करना हो तो जब मर्जी हमारे पास विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।